हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यम्मी इंडियाज़ किचन। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे मैगी पकोड़ा बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। मैगी पकोड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए एक पैकेट मैगी और एक मीडियम साइज प्याज बारीक कटा हुआ, दो बड़ा चम्मच सूजी और दो बड़ा चम्मच बेसन, एक बड़ा चम्मच धनिया कटा हुआ, दो छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, एक छोटा चम्मच नमक और स्वादानुसार। पैन में एक कप पानी गरम करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मैगी। बॉईल आने पर इसमें डालेंगे मैगी मसाला। मैगी को हमें 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाना है। हमारी तैयार है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और मैगी को हम ठंडा होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। मैगी को हम मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें डालेंगे पतला बारीक कटा हुआ प्याज। अब इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच सूजी। सूजी से पकोड़े क्रिस्पी बनेंगे। और इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच बेसन। अब इसमें डालेंगे 2 छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर। अब इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, एक छोटा चम्मच नमक और स्वादानुसार, एक बड़ा चम्मच कटा हुआ धनिया। अब हम इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसे अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तेल को हम मीडियम फ्लेम पे गरम करेंगे। तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें अपने पकौड़े डालेंगे। पकौड़ों को हमें सुनहरा होने तक फ्राई करना है। पकौड़े को हमें बीच बीच में चलाते रहना है। पकौड़े हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसे टिश्यू पे निकाल लेंगे। अब हम बाकी पकौड़ों को भी फ्राई कर लेंगे। मैगी पकोड़ा तैयार है। इसे हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। गर्मा गर्म मैगी पकोड़ा को केचप के साथ सर्व कीजिए। इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।